Assalamu right. everyone, I hope you are doing great. क्रिकेट uh, लाउंज आपका अपना चैनल है प्लीज इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें फॉलो करें एंड आइकॉन आज भी हमारे साथ मौजूद इंटरेस्टिंगली so आप लोगों का फीडबैक हमने बहुत इंजॉय किया है और आज के शो के अंदर हम आपके कॉमेंट जो हैं उन्हें लाजमी एड करेंगे पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे क्या ख्याल है आपका बिल्कुल थैंक यू कि इन्होंने हमें हंसने का मौका दिया एग्जैक्टली exactly. <laughs> लोग ये कहते हैं कि ज़का साहब जिनका काम बेसिकली चीनी का था 25000 वो अपने वर्कर्स को देते थे अब यहाँ पे वो एक करिस्मेटिक पोस्ट पे आ चुके हैं जहाँ पे 25 लाख जो है वो देते हैं अपने न्यू एम्प्लॉइज को इन दोनों में बड़ा कंट्रास्ट नहीं है 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 ना बिल्कुल है हाँ। अच्छा वर्कर्स तो फिर भी हम इसमें कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे ये तो आ, एक बड़े पे जो बंदे बैठे हैं उनको 25-25 लाख मतलब दिए जा रहे हैं हम नहीं कहते लोग कहते हैं।, लो... हैं बिल्कुल तो अब लोग कहते हैं अब उनसे पूछें कि आप क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं जी, जी आप कोई आ, कोई बात करता तो ऑब्वियसली उसके पास कोई ना कोई तो बैकग्राउंड होती होगी तो वो करता है को सबको पता है कि जका शरीफ साहब जो है उनका पीपल पार्टी के साथ ताल्लुक है और हम नहीं कहते लोग कहते, लो कहते हैं की ये जर्द, आसिफ अली जरदारी साहब जो सबक सदर हैं उनका बगल बच्चा है तो इनके दो तीन और भी बगल बच्चे हैं अब वो पॉलिटिकल हैं लेकिन ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है इसलिए हम उसको बात नहीं करते लास्ट मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का उस वक्त मैच हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना सारा गुस्सा जो है वो हमारे ऊपर निकालना क्या कहेंगे इसके बारे में उसकी जो है ना फ्रिया जी देखें उसकी झलक आज ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दी है श्रीलंका के खिलाफ टू hmm. टेन पे उनको आउट कर दिया। श्रीलंका के, uh, के जो ओपनर्स थे hmm. उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी uh, right. पार्टनरशिप। लेकिन स्टेज पे लग रहा था कि वो स्कोर जो है है। प्लस हो सकता बट ऑस्ट्रेलिया मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन दिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप बट विद बैड लक बट बैड लक दो मैच वो पारगे huh. अब आप कह सकते हैं कि जख्मी शेर जो होता है ना वो जेनवन शेर से ज्यादा खतरनाक होता है <laughs> क्योंकि <laughs> जख्मी शेर को पता होता है कि मुझे ये चोट लगी है मैंने इसको ओवरकम कैसे करना है उसको वो वहाँ पे नहीं लगाता वो कि वहाँ पे बैठने वेट नहीं लगाता <laughs> वो किसी किस्म की मरम नहीं करता वो उसी जख्मी हालत में दूसरे पे वार करता है ऐसे और है। इस इस वक्त वो हुए हुए हैं और अब पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ आने वाले मैच में क्या नजर आता है प्रोडिक्शन दे अच्छा ये प्रडिक्शन भी देते हैं अब पाकिस्तान का मैच मैं समझता हूँ जिस ग्राउंड में है बेंगलोर में uh, सबसे छोटा ग्राउंड है इंडिया की uh, सारे जो स्टेडियम्स हैं उस पर कंपेयर right. करें वहां पे तो ऐसा भी होता है कि एक फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम अगर 363 375 भी करती है ना उसके बाद भी वो अपने आप को सेफ नहीं समझती थ्री सेवेंटी थ्री इज अ बिग स्कोर इन दी बस बट जब बेंगलोर में उन्होंने खेलना होता है बिकॉज़ बैट्समैन को को पता पता होता होता है, है बैटर्स कि बाउंड्रीज छोटी है पिच जो है वो बैटिंग चल रही है तो हिटिंग आसान हो जाती है अब इसमें भी सियासत है अब ये किसी को समझ नहीं आएगी वो क्या इंडिया ने कर दीजिए इंडिया ने अफ्रिया देखें इंडिया ने इंडिया के हो रहा था उन्होंने आप जरा पाकिस्तान के मैचेस देखें कहां कहां पे रखें ठीक है पाकिस्तान के मैच रखे हैदराबाद में दो खत्म हो गए इंडिया के साथ मैच रखा है अहमदाबाद में जो कि सबसे बड़ा ग्राउंड है राइट। उनको पता था कि अगर हम चेन्नई में करेंगे बेंगलोर में करेंगे तो वहां पे हमें इतना सपोर्ट नहीं सो ट्रू ठीक है उन्होंने अहमदाबाद का नाम रखा कि अहमदाबाद में मैच करवाते हैं पाकिस्तान इंडिया का एक लाख बत्तीस हजार क्राउड होगा उनको रेवेन्यू भी मिलेगा फिर जिसना के नारे लगे वो भी हमने देख लिए फिर जिस तूफान तो बदतमीजी बर्पा कर दिया अहमदाबाद के शायक ने तो उनको शर्म आनी चाहिए उनको हयानी चाहिए अब आगे बात शर्म करो ठीक है उन देख लें उनके मैच उन्होंने कहा रखे अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच उनको पता था ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है उनका मैच पाकिस्तान के साथ रख दिया बेंगलोर में बिल्कुल जहाँ पे जो, जो, जो अमूमन यही देखने में आता है कि बेंगलोर की विकेट जो होती है वो बैटिंग पैराडाइज होती है उसकी जो पिच होती है वो सपोर्ट करती है बैटर्स को उनके साथ मैच रख दिया हमारा बेंगलोर के साथ बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा अब स्पिन ट्रैक है ठीक है, है? Huh. अब उनको पता था अफगानिस्तान के पास तीन मेन स्पिनर्स है राशिद खान मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी की शक्ल में right. जिन्होंने जो है एक दिन पहले इंग्लैंड जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी उसको भी हरा दिया तो हमारा मैच रख दिया वहां पे अब मैं अब इस हमने व्यूवर्स को सोचने का मौका दे रहा हूं कि आप वो जरा सोचें कि ये कैसी घड़ियां घड़ी से घड़ी कैसे मिल रही है एक लड़ पूरी चेन चलाई जा रही है पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्रिएट करने में अगर आप इतने फने खां होते इतने आप मर्द मुजाहिद होते

ठीक है तैयारी रखो हम uh, hmm. दुआ है हमारी इस प्लेटफॉर्म से कि क्रिकेट हो hmm. चाहे वो इंडिया ही जीते श्रीलंका जीते पाकिस्तान hmm. जीते वट्स जो भी जीते hmm. जिस तरह आप खेल रहे हैं और जिस तरह की सियासत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है जय शाह साहब जिसका भी आपने नाम भी लिया जो कि हम नहीं कहते लोग कहते हैं क्या नाम लिया था सॉरी हमने नहीं कहा ये लोग कहते हैं वो वैसे ही आईसीसी को कहते कि ताड़ी मेहरबानी सानू ट्रॉफी दे दो इज्जत है घर की इज्जत सानू घर ही रहने दैसी मांग लेते हाँ। पाकिस्तानी भी दिल खुश हो गए दे दे। exactly. तो तो, you know, दे दे जिगरा तो रखो ना जिगरा बिल्कुल राके, आप जो है वो पता चले आप दोनों टीमों को लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर का देना आपने अपनी टीम को ऐसे रख लिया दूसरी टीम्स को ऐसे रख लिया लेकिन कोई बात नहीं Uh, अगर टीम हमारी पहुंचेगी आगे तो दिस विल बी अ वेरी हार्ड स्लैप ऑन योर फेस इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड नॉट नॉट फॉर ऑल इंडियंस फॉर द वंस हु आर प्लेइंग रॉन्ग एग्जैक्टली यस अच्छा अब मुझे ये बताएं तब्दीली क्या आएगी कहां पे क्रिकेट मैच में ये जो पाकिस्तान की uh, टीम है उसमें कोई तब्दीली मैं, मैं समझा आपने आप मेरा ये ख्याल है hmm. uh, मुझे लग रहा है ख्याल नहीं मुझे लग रहा है hmm. ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और ख़बर क्या? भी है कि पाकिस्तान टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि ट्वेंटी अक्टूबर को मैच है बेंगलोर में उसमें एक से दो तब्दीलियाँ हो सकती हैं तब्दीली हो सकती है तब्दीली हो, हो सकती है एक से दो आ, उसामा मीर ये भी आ सकते हैं फिर उसके साथ फखर जमान को जो है लेके आ रहे हैं फखर जमान को लेके आना चाह रहे हैं फखर जमान को इसलिए लेके आना चाह रहे हैं यही वो फखर जमान था जो कि पाँच दिन पहले आपकी नज़रों का तारा नहीं था आपके दिल का सहारा नहीं था hmm. आपने उसको दिल से भी उतारा हुआ था नजरों से भी तारा हुआ था। एक मैच में नहीं चला, hmm. में नहीं चला hmm. आपको साथ ही फखर की पाकिस्तान टीम राइट अब जब फखर का बल्ला चलता है ना hmm. तो फ्रिया वो अकेला मैच जितवा जाता है Whoa. आपकी टीम में इस वक्त ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है इंक्लूडिंग बाबर आजम

अच्छा आप वो वो शर्म वाले शख्स की बात कर रही हैं आप अपना स्ट्रेचर देखें अपनी हरते देखें हाँ। आपको सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट नहीं होना चाहिए था आपको एक गली अहमदाबाद की किसी गली मैं अहमदाबाद को आपको पता है मैं बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ अहमदाबाद से नफरत हो गई है मुझे भी। उसके लोगों से नफरत हो गई है हैदराबाद ने क्या ही खूब हमारे साथ किया बेशक आप करें मज़ा आएगा लेकिन जिसना का आपने ट्रीट किया ना वो आपने अच्छा नहीं किया ठीक है अब आपने जो बात की एडवोकेट की एडवोकेट साहब की राम खानी ये थी कि उनको एक और मुसलमान पसंद नहीं आया ओके okay, उसका नाम था जी मोहम्मद रिजवान उन्होंने एक अपनी एप्लीकेशन फाइल करवा दी कि रिजवान साहब ने जो है हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट्स को जो है वो ठेस पहुंचाई है उन्होंने हमें ठोस के रखा क्या किया उन्होंने ऐसा कोई मंदिर रिजवान मुझे नॉलेज नहीं है। जितना वो परेशान है मुझे तो लगता यही है की इतना की कार्रवाई हुई है जो कि ऑफ एयर है अभी तक मीडिया में नहीं आई मुझे शक हो रहा है कोई इतनी ही बड़ी बात उन्होंने कर दी है क्योंकि पर्सनल प्रेयर तो सभी Personal कर लेते हैं exactly. कुछ ना कुछ लाजमी उन्होंने किया है जिसके पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम उनका जी उनका उन्होंने स्टांस ये रखा अपने जो उन्होंने फाइल लॉन्च करवाई है उसमें कहाजी मोहम्मद रिजवान ने सिक्स ऑफ अक्टूबर को जो कि नीदरलैंड के खिलाफ मैच था उसमें ड्यूरिंग इनिंग्स नमाज पढ़ी है, हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में तो वह नमाज जो पढ़ी है वो इन्होंने इंटेंशनली पढ़ी है अच्छा और इंटेंशन उनकी ये थी के आ, हिंद, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने तो एडवोकेट नहीं होना चाहिए था माहिर होना चाहिए <laughs> जेड़ा था तो भी आप कह रही हार्दिक पांड्या ने जो किया है वो को और कर था, कर था। एक और एग्जाम्पल आपके सामने हाँ। वो जो आपका एक इंडियन फैन है जो की हर पूरी दुनिया में जाता है वो मतलब उसने शर्ट नहीं पहनी होती है उसके ऊपर फ्लैग किया होता है वो मंदिर लेके

पप्पू आपने मुझे कहा है चलें आपका थैंक यू आपने मुझे पप्पू कहा है आपको लगता तो मैं कहूँ दूसरा उन्होंने आपने कहा है जी के माइंड सेट को टेक्निक के साथ किया। तो आपकी इतला के लिए ये अर्ज है हम इसी प्लेटफॉर्म से यही कहते आए हैं कि इंडियन्स की टेक्निक है। है। है मुझे रिकमेंड किया है की कि घर बसाओ किसी इंडियन के साथ देखे यहाँ पे तो अभी तक किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया आपके पास कोई है रिकमेंडेशन तो प्लीज कॉमेंट्स के अंदर बता दीजिए जन्म कुंडली मिला ले आई डों आपके लिए इंडियंस ने जा रही हूँ इंडिया अहमदाबाद <laughs> नहीं, नहीं आएंगे हाँ, बहुत वाले लोग हैं हैं अच्छा फिर एक आते हमारे प्यारे भाई अमन परमार उन्होंने जय श्री राम इतनी दफा लिखा है कि मुझसे पढ़ना, पढ़ना हो जाएगा। 45 -50 लिख दिया है क्या हुआ आहे निकल रही कि याद करा दिया आपको हमने क्या नाम क्या बताया आपने आ, बड़ा मुश्किल था नाम <laughs> एक मिनट अमर परमार साहब आपने माशाल्लाह इतनी दफा जय श्री राम कहा आ, अच्छी बात है आ, आपका रिलीजन है आपको नाम ज़्यादा लेना चाहिए लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप यकीन अहमदाबाद से ही होंगे क्योंकि आपको मिर्चें वहीं से लगी हैं ठीक है, है? <laughs> तो अहमदाबाद बड़ा शहर है नरेंद्र मोदी का शहर है एक मशवरा है आपको कि आपके घर के आसपास या एरिया में कोई पागलखाना होगा ना तो वहाँ से अपना टेस्ट करवाएं क्योंकि मगर वहाँ से भी कमेंट जरूर करना हो जी क्योंकि एक दफ़ा भी जय श्री राम कहोगे ना तो सूँ पता चल जाएगा तुम्हें कहता है

Thank you so much. You have us. We had an amazing conversation. I hope you enjoy enjoyed hoga. And I want you guys to follow, subscribe, and share. Hit the bell icon and stay with us at the Cricket Lounge. Keep commenting. Stay with us. See you again.